पब्लिक टीवी आपकी आवाज। देखिए, मैं और मेरा संगठन सूफी इस्लामिक बोर्ड और मेरा समाचार पत्र बाकायदा ऐसे संगठनों के बारे में लड़ाई लड़ता आया है, और हम अकेले थे पूरे हिंदुस्तान में जिसने PFI के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। और हम धन्यवाद प्रकट करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का कि उन्होंने हमारी बात को सुना और उसे सीरियस लिया। और ऐसे कट्टरपंथी संगठन जो इस्लाम के नाम पर बदनुमा दाग थे, जो इस्लाम को बदनाम कर रहे थे और नौजवान नस्ल को भड़का कर उन्हें देशद्रोह की तरफ ले जा रहे थे, ऐसे संगठनों को उन्होंने बैन किया। और सूफी इस्लामिक बोर्ड जो है आगे भी ऐसे संगठनों के खिलाफ आवाज़ उठाता है, उठाता रहेगा, और हम जो है ये संघर्ष जारी रखेंगे। और हमें मतलब हैरत हो रही है कि हमारी स्टेट के अंदर भी जो है इस तरह के लोग मिले हैं। और मैं अपने नौजवानों से ये अपील करता हूँ, मुसलमान नौजवानों से, कि वो हुसैनियत को पढ़ें, मौलाइत को पढ़ें, ख्वाजा गरीब नवाज से वारिस पाक तक के पैगाम को पढ़ें और इस्लाम को समझें, किसी के बहकावे में ना आए, बल्कि इस्लाम जो है मोहब्बत, अमन, भाईचारे और राष्ट्रवाद का पैगाम देता है। और हमें राष्ट्रवादी बनकर हिंदुस्तान में रहना है, और राष्ट्रवादी बनकर ही वादी बनकर ही हम हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।